मनीष, आपका नाम क्या है? अमरजीत। रुक गया भाई। सेकंड अटेम्प्ट था आपका? थर्ड? बड़ी जल्दी में। थर्ड? कैसा लगा आपको पेपर? ओए पेपर तो मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन नहीं थे, मतलब बाकी तो जो पेपर पूरा पेपर अगर कंपेयर करें पिछले साल से तो थोड़ा सा मॉडरेट कर सकते हैं, बट उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे बहुत ईजी था, मतलब हर सब कुछ बन जाता था, लेकिन जो क्वेश्चन कुछ थे अगर 6-7 क्वेश्चन हो वो बहुत तक जो MCQ MSQ हाँ, वो एक क्वेश्चन आया था बस, वो भी ईजी ही था। ईजी क्वेश्चन था, किस टॉपिक से था वो? सर्वे, सर्वे था, सर्वे हाईवे था, सर्वे तो इसमें मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछ रखते हो? इन्वायरमेंट के थे, इन्वायरमेंट के ज़्यादा जो टफ लगे, और बाकी जियोटेक के अच्छे क्वेश्चन, बट जियोटेक के बन गए जो क्वेश्चन आए थे। जैसे हर साल ये सोम और फिर सोम के क्वेश्चन अच्छे आए थे इस बार, सोम के बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे आए, वो बने ही नहीं हम। अगर पेपर को बोलेंगे थ्योरेटिकल था या फिर न्यूमेरिकल था, क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल था, जिसमें स्पीड ज़्यादा चाहिए रही होगी। हाँ, कैलकुलेशन प्रैक्टिस की भी, क्योंकि सोम इतना टफ आता नहीं था, सोम इस बार मुझे तो अच्छा लगा, मतलब सोम का क्वेश्चन, और स्ट्रक्चर के 1-2 आए थे, स्ट्रक्चर ठीक था। और क्या लगता है 100 रैंक अगर इसकी लानी हो तो फिर लगभग कितने नंबर तक रहेगा कट ऑफ? अंडर 100 के लिए, जैसे लास्ट ईयर था ना, लास्ट ईयर कितना था? 75 प्लस, जैसे 2019 में आया था। हाँ, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जिनके नंबर आएंगे 60 के करीब एवरेज तो नंबर आने वाले मुझे लगता है, जो उन्हें ठीक ठाक थोड़ी तैयारी करके गए होंगे, बाकी जो बहुत अच्छा पढ़ेगा वो तो 75 प्लस कर सकता था, क्योंकि रीजनिंग और एप्टीट्यूड जो जनरली इनके वो बहुत ईजी था। अच्छा, बहुत ईजी था, वो ईजी था। आपका कितना अटेम्प्ट था? 65 क्वेश्चन था, 65 क्वेश्चन। हाँ, 12 छूटे हैं। अच्छा, 12, ओके, थैंक यू।